अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम जफर और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नजर आपकी हेडलाइंस पर। सियालकोट में बावले कुत्ते ने दहशत फैला दी, कई अफराद को काट डाला। बच्चे पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर, बचाने के लिए आने वाला शख्स भी निशाने पर आ गया। बावले कुत्ते के काटे मरीज अस्पताल पहुंचे तो रही सही कसर इंतजामिया ने निकाल दी। वैक्सीन ना मिलने पर मरीज परेशान, बाजार से खरीद कर लगवाते रहे। दवा अस्पताल में मौजूद ही थी। मरीज के जाने के बाद एमएसके के दावे। इन 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, और ये जो तहरीक थी इमरान खान की, उसकी बदौलत मुमकिन हो सका कि आज आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासी तौर के ऊपर एक किस्सा परीना बन चुके हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के लफ्जी वार जारी, नवाज शरीफ की सियासत को माजी का किस्सा करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ 6-6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल लेकर चलते हैं। साफ पानी मंसूबे की रकम और ऑरेंज ट्रेन में लगा दी गई। सिंध में 700 अरब रुपए जाली अकाउंट्स में चले गए। बिलावल भुट्टो ने जाली अकाउंट्स केस की जीआईटी में हसास इदारों के इरकान की शमूलियत पर एतराज उठा दिया। कहते हैं मुकदमा नैब का नहीं, बैंकिंग कोर्ट का है। फैसले पर नजर सानी की अपील। नैब ने भी तहकीकात में पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पीपल्स पार्टी का नैब कानून में तरमीम के लिए करारदाद लाने का ऐलान। खुर्शीद चा कहते हैं अलीम खान की गिरफ्तारी में जल्दबाजी की गई। नजर आ रहा है कि तवाजुन के लिए तहरीके इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूं उनको बेल मिल जाएगा और ये दिखा भी देंगे कि देखें जी उनको बेल भी मिल गया और अब तो हमने बराबर कर दिया है, ऐसा सबके लिए है। शेख रशीद की रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ओपोजिशन ख्वाजा साद रफीक का नाम वापस लेने के लिए रजामंद हो गई। स्पीकर ने भी शेख रशीद को भी मेंबर ना बनाने की यकीन दहानी करा दी। इन्वेस्टिगेशन खाक करनी है शहबाज शरीफ की, वो नैब के चेयरमैन को बुलाए, वो एफआईए को बुलाए, वो दूसरे लोगों को बुलाए, ये बार्गेन कर रहे हैं, बार्गेन नहीं होगी। शेख रशीद की सियासी मुखालिफीन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा नून लीग वालों की कहानी कतरी से पथरी तक है। शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर पसंद नहीं। एहतसाम बिला इम्तियाज, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पॉलिसी वाजे कर दी। कहते हैं निजाम में बेहतरी एहतसाब और मेरिट से ही आएगी। सियासतदानों की ट्रेनिंग जरूरी है। सिविल सर्विस को भी सियासी मुदाखलत से बचाने का अज़्म। सीनियर वजीर पंजाब की सीट किसको दें? वजीर आला पंजाब ने रहनुमाई के लिए वजीर आजम से राबता कर लिया। वजारत बल्दियात और पीएनडी के कलमदान के लिए मियां असलम इकबाल और हाशिम रिजवान बख्त के नाम सामने आ गए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने भारत को आईना दिखा दिया। कहते हैं मसला कश्मीर के हल के लिए नई दिल्ली अफगानिस्तान के मुज़ाकरात से सबक सीखकर पाकिस्तान और हुर्रियत क़यादत से बातचीत करें। पाक बहरिया की छठी कसीरुल मुल्क की मश्क अम 2019 का आगाज हो गया।
मश्क में शरीक 46 ममालिक के परचम लहराने की तकरीब का इनेकाद। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत से शरीक ममालिक के मुअज्जिज़ीन की मुलाकात। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं जदीद दौर के चैलेंजेस का तकाजा के मिलकर मुकाबला किया जाए। फैसलाबाद में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। इस्लामिया कॉलेज के करीब नौजवान छत से गिरकर जान गंवा बैठा। एक जख्मी खूनी डोर ने पुलिस अहलकार को भी अस्पताल पहुंचा दिया। आरपीओ ने एसएचओ थाना सरगोधा रोड को मुअत्तल कर दिया। जदीद स्टाइलिश और चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। शिकागो ऑटो शो में ताकतवर इंजन और नित नए डिजाइन्स की गाड़ियां लोगों की दिलचस्पी का मरकज बन गईं। और चीन में नए कमरी साल की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। रोशनियों की सजावट से मुख्तलिफ शहर तलिस्माती दुनिया का मंजर पेश करने लगे।